दोस्तों, तेरे बिन टू की न्यूज आई है और ये अब्दुल्ला कादरानी के मुंह से ही आप सब सुनेंगे। और मैं अभी वो वीडियो चला रहा हूँ, आप लोग देखना और मुझे बताना कैसी लगी वीडियो। सुन लिया लोगों को? खैर दोस्तों, बड़ी गुड न्यूज आई है, वो ये कि भाई अब्दुल्ला कादरानी के साथ बैठी थी यमुना। काफी लोग बोले थे अब्दुल्ला कादरानी से बन नहीं रही यमुना की, अब यमुना अब्दुल्ला कादरानी के रोल में काम नहीं करेगी। तो अब देख लो, वो बैठी हुई है भाई, तो खुशखबरी। और दूसरी ये बात कि उन्होंने कन्फर्म भी ये कर दिया, भाई तेरे बिन टू में यमुना है। क्यों नहीं समझ रहे तुम लोग? काफी लोग बोल रहे थे भाई यमुना चली गई, तो मैंने तुम्हें कहा प्रूफ कर दूं कि यमुना ही है तेरे बिन टू में। वो हंस रही है यमुना जब वो बोल रहे हैं तेरे बिन टू की एक्ट्रेस तो यहाँ बैठी हुई है। तो इसका मतलब जैसे ही ये LS के अवार्ड खत्म होते हैं, फौरन ही यमुना को अनाउंसमेंट आ ही जाएगी तेरे बिन टू की। तो गुड न्यूज़ यार, गुड न्यूज़। चलो शुक्र है कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ ही गई। अभी तक अवार्ड का पता नहीं कि अवार्ड कब मिल रहा है, हो सकता है कल तक कन्फर्मेशन आ जाए कि यमुना को ही मिल चुका है अवार्ड। पर मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि यमुना पूरा वक्त अब्दुल्ला कादरानी की फैमिली के साथ बैठी रही है। और जाहिर सी बात है तेरे बिन टू के ऊपर डिस्कशन किया, और भी तेरे बिन टू की जो न्यूज़ है वो मैं लाता रहूँगा टाइम टू टाइम। पर मैं बोला ये तुम लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी था, वरना तुम लोग बोलते बिलाल भाई आपने ये बात मिस कर दी। तो मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता तेरे बिन टू का। तो ये फाइनली वीडियो मैंने पहले डाल दी, इससे पहले कि कोई आके डाल ले मैं पहले ही डाल के बैठ गया। तो अपना बहुत ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और जो भी चीज़ें पूछनी हो बाद में पूछना, अभी चलता हूँ। ओके।